This is Go MMT Radio. Go MMT Radio. Go. Powered by Make My Trip, Go IBIBO and Redbus. Hello and welcome to a brand new episode of Go MMT Radio. मेरा नाम है सोनू. आज के हमारे एपिसोड में लव आजकल में हमारे साथ होने वाले हैं अमित कुमार. ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं इन गुड़गांव. Up next, we have a performance by Amandeep Singh, Deputy Manager, Finance and Accounts, and he's based out of Gurgaon. So, over to him. आँखें कहती हैं बैठ तू मेरे रूबरू तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के दिल मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया जदों दा मैं तके आए चैन नी आया किन्ना सोना ओ किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया जदों दा तेरे ते दिल आया हो जदों दा तेरे ते दिल आया जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया. MT Mockcast Quiz. Hello Go Trippers, we're excited to announce a brand new initiative, MMT Mockcast, a podcast series featuring our brand's journey, innovation, technology and culture. Now you have a chance to win 1000 so-so points by answering a simple question. Here we go with a small clip from the podcast of our co-founder and group CEO, Rajesh Mago. All three brands, from consumer perspective, are still pretty independent. You know, mm-hmm. what we've been able to achieve at the back end is whatever is not facing the consumers, it's very well integrated at the back end, be it corporate functions or the supply functions or the technology functions and so on. Which gives you a tremendous amount of synergies, you know, when you're running multiple brands under one, let's say, umbrella entity. You know, so the way we sort of look at it is just from a consumer experience standpoint, you know, how do we create differentiation? It's always a continuous journey, but how do you create differentiation? To win 1,000 so-so points, here is quiz number 6. What are the ways that MMT creates differentiation between the three brands? From a consumer standpoint, don't guess. Listen to the full podcast on Spotify and then take the quiz. Check your inbox for an email from headsetgo@go-mmt.com to reply on the form. MMT Mockcast Quiz. 1, 2, 3, 4. Quarter planning to ho jayegi, but weekend planning kab karoge, dost? You serious? Go MMT Radio. Headset go. Love Aajkal on Go MMT Radio. वेलकम बैक. सुन रहे हैं आप गो एमएमटी रेडियो. मेरा नाम है सोनू और आज हमारे सेगमेंट यानी कि लव आजकल में मेरे साथ है अमित कुमार. ही इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन गुड़गांव. अमित, वेलकम टू द शो. कैसे हैं आप? थैंक यू सोनू, आई एम गुड, थैंक यू. व्हाट अबाउट यू? बहुत बढ़िया. आप मुझे ये बताएं कि गो एमएमटी में काम करते हुए आपको कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 3 महीने. 3 महीने? तो अभी अभी आपने ज्वाइन किया है? Yes. तो लव आजकल में आपको मालूम है कि हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, राइट? इट्स ऑल अबाउट लव. इट इज ऑल अबाउट लव. तो अमित, मुझे ये बताएं कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आप किसी को जानते हैं, पसंद करते हैं, या आपकी शादी हो गई है? आई एम मैरिड. यू आर मैरिड, अमेजिंग अमेजिंग. तो कितने साल हुए हैं अमित आपको शादी किए हुए? इट्स अराउंड 1 year and 8 months. अच्छा, तो अभी मतलब नई नवेली कपल ही है. तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द वेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल.
अब मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, आप अपनी वाइफ से कैसे मिले? अमित, आपकी शादी हो गई है, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ, दो साल होने को आया है, आपने कहा 1 साल 8 महीने हो गए हैं, आप अपनी वाइफ से कैसे मिले अमित? एक्चुअली वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, सो मैं स्कूल में मिला। अच्छा, और फिर मतलब आप टच में रहे, या क्योंकि क्या होता है जब ऐसे ऐसे हालातों में क्या होता है कि यू लूज टच एंड देन कुछ सोशल मीडिया की वजह से देन यू गेट बैक इन टच, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, तो हुआ ऐसा था कि 2008 में एक्चुअली सी वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम, उसको माइंड में कुछ ब्लड क्लॉट हो गया था, तो सी वाज आस्किंग फॉर माय एडवाइस लाइक इफ वी लीव द बीटेक और नॉट फर्स्ट ईयर, डॉक्टर्स हर एडवाइस, सो आई एडवाइस हर टू ड्रॉप फॉर 1 ईयर एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग, और 2008 में ही फिर मैंने प्रपोज कर दिया एंड देन फ्रॉम दैट डे टिल टुडे वी आर टुगेदर लाइक। How lovely, yes. तो मतलब ये love marriage ही था? Yeah, it is love marriage, और 15 years से I am talking to her every day. Oh, how sweet. तो आप स्कूल में साथ में थे, तो स्कूल में मतलब स्कूल में ही अट्रैक्शन था या मतलब दोस्ती की वजह से अट्रैक्शन हुआ? सी वॉज अट्रैक्टेड टू मी इन स्कूल, क्योंकि मैं टॉपर था स्कूल में। अच्छा, या स्कूल कोचिंग एवरीवेयर, सो सी वॉज आस्किंग मी लाइक अपनी नोटबुक्स दे दो ये सब, तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली सी इज अट्रैक्टेड। देन आफ्टर दैट वी वेंट टू कानपुर एंड देन इवन आफ्टर दैट इन कानपुर वी मेट फॉर 2-3 times फॉर प्रिपरेशन, बट आई डिडंट हैड एनी थॉट लाइक सी इज having crush on me. And then when she started me talking when she faced the problems, I think it was her, and then she told me about everything, like she has a crush on everything. I said it is okay. उसी से शुरुआत हुई। अमित जी, आपने अपना बीटेक का ग्रेजुएशन जो है वो कहाँ किया था? मेरठ से, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो आज लव आजकल में हम बात कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, प्रीति है उनका नाम, एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो आप, तो मुझे ये बताया, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? नो, इट इज नॉट एक्चुअली, इट इज जस्ट अट्रैक्शन, लव हैपेंस ऑफ कोर्स व्हेन यू नो ईच अदर वेल। तो आपको प्यार कब हुआ? प्यार व्हेन वी वर टॉकिंग, इट इज लाइक काफी हम मिले 1-2 बार, उसके बाद मतलब इट इज, मुझे ऐसा था कि मैं बच्चा था, तो अट्रैक्शन हैपेंस, इट इज लाइक एक क्या बोलेंगे इसको, कि आपकी लत बन जाना, बोलते ना कि जी जी, आई कैन नॉट मींस, तो वो धीरे धीरे पता ही नहीं चला मुझे कि व्हेन आई वाज लाइक इट हैपेंड लाइक जस्ट बात करते रहे एंड देन इट इज लाइक ओके वी आर परफेक्टली फाइन। तो ऐसी हो गई आपकी ट्यूनिंग? यस, just tuning, it is like we are like minded from the same place, right. We can talk many things, so it is like the best person, right. Whom I can stick. amazing of course. So jab aapki shaadi hui Amit, आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई मतलब नोकझोंक की मतलब बहू हम चुनेंगे ऐसी बात कुछ नहीं थी? ऐसा बहुत कुछ था। हाँ, तो मतलब मैं बातें समझता हूँ कि हाँ दे हैव देयर सिचुएशन, बट यहाँ ऐसा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो गया कि अब मैं आई कैन नॉट लीव दैट पर्सन, इम्पॉसिबल, क्योंकि वही एक लत बन गई है वो मेरी। जी 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 जी, तो फाइनली आपने मना लिया? यस, आपने मना लिया, बहुत ही बढ़िया। तो अमित, आप मुझे बोल रहे थे कि यू नो ये जो लाइकिंग है, ये जो प्यार होता है, दैट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, लेकिन आजकल के जो न्यू एज रिलेशनशिप्स हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। अगर हम अपने पेरेंट्स के जेनरेशन का रिलेशनशिप देखें, हमारे जेनरेशन का रिलेशनशिप देखें, या फिर हमारे से थोड़े छोटे लोगों का रिलेशनशिप देखें, काफी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। आपके हिसाब से हमारे पेरेंट्स के जेनरेशन से हमें क्या अच्छी बात लेनी चाहिए, और हमारे हमसे जो छोटे हैं उनसे क्या बात लेनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स? पेरेंट्स के जनरेशन से ऑफकोर्स वो बहुत ही कमिटेड थे, दे वर मोर फोकस्ड एक्चुअली ऑन द वर्क दे आर डूइंग, नॉट द लव, तो इट इज लाइक उनकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट लव नहीं था, और उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती थी पहले, तो दे डोंट नीड टू, मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो लव या किसी और चीज के बारे
बारे में उतना सोचे. तो इवन माई पेरेंट्स वर, इवन माई ब्रदर्स वर मैरिड व्हेन दे वर 17-18. तो इट इज लाइक क्वाइट नॉर्मल फॉर देम. मैंने पूछा फैमिली से तो मतलब मुझे यही एडवाइस मिलती थी, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि हम जब हमारी जब शादी हुई तो हम सोचते भी नहीं थे कि प्यार होता गया बस हो गई. तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है. बट उनसे जब पूछते हैं कि चलता है कैसे, तो वो बोलते हैं कि लाइक वंस यू आर विद द पर्सन धीरे धीरे आदत हो जाती है. तो बिफोर द लर्निंग्स फ्रॉम द फैमिली एंड द ओल्डर पीपल कि हाँ ठीक है यू एक्सेप्ट इट और धीरे धीरे वंस यू आर विद द पर्सन यू विल बी यूज्ड टू इट. एंड अभी जो लेटेस्ट है दे थिंक अ लॉट एक्चुअली अबाउट द लव एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक जो डिसीजंस मेरे हिसाब से जो पर्सनल है लव के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हो और सोच के डिसीजन लेते हो देन दैट इज नॉट द लव, दैट इज अ बिजनेस जहाँ पे आप बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स देखते हो. अगर लव है तो वहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. फीलिंग जी जी बिल्कुल. आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट. और अच्छा लगा कि आपने मतलब इतने ऑनेस्टली ये शेयर किया. अमित, अब हम आपके साथ रैपिड फायर राउंड खेलेंगे जहाँ पे हम आपसे सवाल करेंगे और आपको फटाफट जवाब देने हैं. ठीक है? ठीक है. ओके. The rapid fire round. आपका सबसे पहला सवाल, प्रीति यानी कि आपकी वाइफ जो है उनके बारे में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? सबसे अच्छी बात वेरी केयरिंग एंड लाइक सी इज ऑब्सेस्ड फॉर हेल्थ. तो हेल्थ के लिए सी रियली प्रमोट्स. अच्छा. और एक ऐसी बात जो आपको अच्छी नहीं लगती है प्रीति के बारे में? जो अच्छी नहीं लगती है, सी एक्चुअली वेक्स मी अप वेरी अर्ली. तो आपको जल्दी उठना पसंद नहीं है? नहीं, क्योंकि मैं जल्दी सो ही नहीं पाता तो जल्दी कैसे उठ पाऊंगा. ओ अच्छा, ठीक है. आपके लिए, आपने प्रीति के लिए सबसे रोमांटिक चीज क्या की है? सबसे रोमांटिक चीज मैंने प्रीति को एक अभी रिसेंटली ऑन 14th February मैंने एक नेकलेस गिफ्ट किया एंड सी वाज लाइक वाओ. ओ वाओ. उन्होंने आपके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दिया है? ऑन माय एवरी बर्थडे सी वाज सेंडिंग मी बुके एंड माय बर्थडे सी सेलिब्रेट इज रियली वाओ मैनर. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. और आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्रीति जी को? इट इज लाइक आई विल बी ऑलवेज फॉरएवर विद यू एंड आई विल बी ऑलवेज सपोर्टिंग टू यू. हाउ स्वीट. आशा करते हैं कि आप एक दूसरे को डिस्कवर करते रहे एंड आई होप दैट आपका साथ हमेशा बना रहे. अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. अच्छा लगा आपसे बात करके. यू हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू सोनू. यू टू. बाय बाय. थैंक यू. सो रैप ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ गो एमएमटी रेडियो. डू लेट अस नो आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा बाय सेंडिंग अस एन ईमेल एट heads@go-mmt.com. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग. दिस इज मी सोनू साइनिंग ऑफ. राइट नाउ इट्स टाइम फॉर वैभव शर्मा. वैभव गाना गाने वाले हैं एंड वैभव इज फ्रॉम द टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इन बैंगलोर. सो ओवर टू हिम. तुझसे मिलकर क्यों आजकल बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल. आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह. ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह. कैसे हुआ तू इतना जरूरी. कैसे हुआ तू इतना जरूरी. कैसे हुआ. Thank you.
Go Trippers! This is Ranveer Singh and you are listening to Go MMT Radio. Head, set, go! To listen to your favorite Go MMT Radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. Visit the Go MMT Radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.